AKS ऑटोमेशन टॉप 2 स्पायरल बैंडिंग मशीन A4 साइज। इस वीडियो में जो आप स्पायरल बैंडिंग मशीन देख रहे हैं, दो टाइप की मशीन है। एक आपकी लाइट ड्यूटी है, यह आपका नॉर्मल वर्क के लिए, और ये थोड़ा ज़्यादा वर्क है, ऑफिस है उसके लिए है। ये हैवी क्वालिटी में आ जाती है। दोनों A4 है, दोनों के अंदर लीगल साइज A3 साइज मिल जाएगा। ये पंचिंग है, ये सिंगल हैंड है। जब ये पैकिंग में आता है तो ये हैंडल अलग रहता है इसमें, इस वाले मॉडल में। इसको आपने इस तरीके से इसमें फिक्स करना है, इस तरीके से फिक्स हो जाएगा और ये पंच होगा। अब इसमें सीटें मैं दिखा देता हूँ आपको पंच करके। दस बारह शीट करके कर सकते हैं, मैक्सिमम 15 शीट है, पर आप नॉर्मली 10-12 शीट इजीली पंच कर सकते हैं दोनों में ही। इसकी जो डाई है वो हैवी क्वालिटी की है, बॉडी हैवी क्वालिटी की है, और ये थोड़ा आपका ये साउंड से ही पता लग जाएगा आपको। ये इसकी जो बॉडी है थोड़ी हल्की में बनाई गई है, और इसकी ठोस बॉडी है। दोनों में मैं पंच करके दिखाऊंगा आपको। ये देखिए, जैसे आपको 50 शीट की बनानी है तो ऐसे 10-12 करके आप शीटें अपनी पंच करते जाएंगे। जैसे देखिए, ये मैंने पंच किया, ये देखिए पंच हो गई, देखिए पंच हो गई। ऐसे ही आप पंच करते जाएंगे शीट्स जितना आपको करना है। ये शीट्स लगाई मैंने, ये देखिए ऐसे पंच करते जाएंगे आप, और शीटें साथ में रखते जाएंगे। ये जैसे शीट्स इकट्ठा हो गई, अब इस पर कवर कैसे चढ़ेगा वो भी दिखाएंगे हम। आप भी, मैं आपको लाइट वाले में भी पंच करके दिखा देता हूँ शीट। जो इसकी डाई है हैवी है, इसकी थोड़ी हल्की होगी। ये देखिए, ये लगाया मैंने, और ये देखिए, ये देखिए पंच हो गया। ऐसे इसमें भी आप अलग अलग शीट्स लाके पंच करते रहेंगे, जितनी शीट्स आपकी कॉपी बनाने की रिक्वायरमेंट होगी, जितनी शीट्स की कॉपी होगी या बुक होगी। ये देखिए, ऐसे पंच करते जाएंगे आप, और फिर शीट्स को एक साथ रख लेंगे। अब आ जाता है इस पर कवर। कवर जो आता है दो टाइप के आते हैं, एक फ्रंट कवर होता है, एक बैक कवर होता है। दोनों की 100-100 शीट की पैकेजिंग आती है। देखिए, ये ट्रांसपेरेंट है जो आगे को लगेगी, इसका भी 100 शीट का रहता है, और ये भी देखिए बैक कवर का जो है, ये भी 100 शीट आती है पैकेट में। ये 1x1 पंच होगी। सैंपल के लिए मैं आपको एक पंच करके दिखा देता हूँ। ये देखिए, ये शीट्स है, ये यहाँ लगेगी इस तरीके से, और पंच हो गया। ऐसे पंच करके फिर ये अपने कॉपी पे आप ऊपर को लगाएंगे, और ट्रांसपेरेंट बैक साइड में लगाने के बाद बाइंड कैसे चढ़ाएंगे आप। ये रिंग आती है, अलग अलग साइज में आती है ये। जैसे कि ये देखिए, 10 mm में जितनी शीट की कॉपी होगी उस हिसाब से आप लगाएंगे। देखिए 10 mm का पैकेट है, ये 10 mm का है, इसके ऊपर देखिए 22 mm का, इसका साइज देखिए थोड़ा बड़ा रहेगा उससे। ऐसे ही अलग अलग साइज में आ जाता है। ये 22 mm है, ये देखिए 25 mm है, उससे भी बड़ा साइज है। ऐसे अलग अलग साइजिस में आपकी मशीनें, जैसे आपको पंच करना हो, जितनी कॉपी बनानी हो, जितनी शीट की, उस हिसाब से ये 1 kg का पैकेट आता है। अब ये कवर, ये रिंग कैसे लगती है कवर, देखिए इस तरीके से लगाएंगे आप। शीट्स ट्रांसपेरेंट अभी मैंने लगाया नहीं है, लगा के और इस तरीके से इसको मैन्युअली आप बाइंड करेंगे। देखिए मैं दिखा देता हूँ आपको अभी। देखिए, ये लग रही है हमारी शीट पे। इस तरीके से आप इस पे अपनी बाइंडिंग रिंग लगाएंगे।
ये देखिए, ये मैंने कवर पे चढ़ा दिया है। ये देखिए कवर इस तरफ लगाया हुआ है, और ये रिंग ऐसे चढ़ने के बाद, और फिर जब कॉपी, ये भी इसी में है, अभी मैंने कट नहीं किया है। ये देखिए कॉपी इस तरीके से आपकी रेडी हो जाएगी।